दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको सिखाएंगे, ये जो ड्रावर होता है आपको मालूम ही होगा, इसका काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। अगर आप वार्डरोब वगैरह बनाते हैं या फिर टीवी यूनिट बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा ये यूज होने वाला चीज़ है। तो इसका बनाने का जो प्रॉपर तरीका है आज हम इस वीडियो में दिखाएंगे इसको किस तरीके से बनाया जाता है, तो आप इस वीडियो में पूरा देख लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए फिर दोस्तों आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको ये ड्रावर दिखाते हैं, इसको खोल करके दोस्तों देख सकते हैं ये ड्रावर है। तो इसको दोस्तों जो इसको फिट कर बनाने का जो प्रॉपर तरीका होता है तो आज हम इसके बारे में बताएंगे। ड्रावर बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले इसका मेन जो काम होता है, जो हमारे ड्रावर के पीछे में दोस्तों देख सकते हैं इसका जो तलिया होता है, तो इसको ही बनाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम होता है। तो इसका साइज़ निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले दोस्तों ये दोस्तों देख पा रहे हैं ये हमारा एरिया है, इसमें हम ड्रावर बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम इसका साइज़ नाप लेंगे। तो जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हैं हमारा ये 17 इंच है यहाँ से यहाँ तक। तो दोस्तों इसको इसका मेजरमेंट दोस्तों तलिए का यहाँ से दोस्तों आपको जो साइज़ निकलता है उसमें से एक इंच एक सूत कम कर देना है, वही आपका परफेक्ट मेजरमेंट होगा। अगर आपको इस तरीके से लेमिनेट लगाना है तो, अगर आपको लेमिनेट नहीं लगाना है साइड साइड से तो आप एक इंच कम कर सकते हैं। है इसके बारे में बात करें दोस्तों, आपको सिंपली ऐसे मेजरमेंट कर लेना है, नाप लेना है, जिस फेस से आपको बराबर रखना है ड्रावर को उससे आपको थोड़ा सा दोस्तों आपको दो सूत कम कर देना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम लोग इस तरीके से ड्रावर बनाएंगे जो कि एकदम फिनिश होता है तीनों साइड में। तो चलिए फिर दोस्तों अब हम इसको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं किस तरीके से हम लोगों ने इसको बनाया हुआ है। चलिए फिर दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों ड्रावर बनाने के लिए सबसे पहले हम जो हमारा ड्रावर का मेन तलिया होता है जो कि नीचे की साइड में प्लाई लगता है दोस्तों, जो हम लोग 6 mm में लगाते हैं नॉर्मली, तो उसको प्रॉपर साइज़ में कटिंग कर लेते हैं। तो उसको कटिंग करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम उसका मेजरमेंट करेंगे। मेजरमेंट करते टाइम दोस्तों आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि आपको अंदर और बाहर दोनों जगह पे आपको माप लेना है, और जिस जगह पे दोस्तों सबसे कम माप मिले आपको उसी में से दोस्तों आपको एक इंच एक सूत कम कर देना है। उसके बाद दोस्तों सिंपली आप इसको राइट एंगल की सहायता से कटिंग कर दे। तो दोस्तों ये हमारा एक प्रॉपर ड्रावर का जो चौड़ाई वाला हिस्सा है वो हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम जो हमारा ड्रावर का जो डेप्थ था उसका भी हम मेज़रमेंट करके उसमें से दोस्तों सिंपली दो सूत कम कर लेंगे, जो कि हमारा जो टोटल साइज होगा ड्रावर का। उसके बाद दोस्तों हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ये कटिंग हो चुका है, इसको प्रॉपर हम लोग एक बार थोड़ा सा साइज इसको चेक कर लेंगे, अगर थोड़ा सा अगर कम या ज़्यादा है तो फिर दोस्तों इसको फिर दोबारा हम कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने के बाद दोस्तों हम लोग एक बार इसको जहाँ पे फिट करना है दोस्तों वहाँ पे एक बार इसको चेक कर लेना है, इससे क्या होगा कि आपको प्रॉपर मालूम पड़ जाएगा कि ये इसमें कुछ कम है या ज़्यादा है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ये जो हमारा ड्रावर का ये फ्रंट वाला पार्टिया होता है, सबसे पहले दोस्तों इसको हम इस तलिए के साथ अटैच करेंगे। इसके लिए दोस्तों हम सबसे पहले यहाँ पे ये जो हमारा फ्रंट वाला पार्टिया था इसमें हम लोग थोड़ा सा फेविकोल लगा करके, इसके बाद दोस्तों जिस तरीके से हम लोगों ने इस तलिए को मिलाया था दोस्तों, मिला करके दोस्तों हम लोगों ने निशान लगाया था उसी तरीके से रख करके दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे कील लगा देनी है। दोस्तों देख सकते हैं इस तरीके से ड्रावर बनाने का तरीका दोस्तों बेहद ही सरल और आसान है। तो आप इस तरीके से देख करके आप बड़ी आसानी के साथ अपना ड्रावर तैयार कर सकते हैं, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी दोस्तों। दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा जो फ्रंट का पार्टिया था इसको हम लोगों ने लगा दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों ये हमारा ये साइड का पार्टिया है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है कि इसको एक तरफ राइट एंगल कर लेना है। आपको ये जो पार्टिया होता है दोस्तों आपको चाहे तो थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके इसकी लंबाई पहले से कटिंग कर सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों ये हमारा 9 इंच का ड्रावर है, और इसका जो साइड का पार्टी है दोस्तों इसको हम लोगों ने 1 इंच छोटा किया हुआ है। दोस्तों देख सकते हैं, और इसको जो हमारा फ्रंट वाला पार्टिया है उससे सटा करके दोस्तों इस तरीके से आपको कील लगा देनी है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा ये ड्रावर का तलिया है इसको हम लोगों ने दोनों तरफ से पहले ही लेमिनेट लगा दिया हुआ है।
आप चाहे तो दोस्तों आपको केवल एक ही तरफ आपको लेमिनेट लगाना है। इससे क्या होगा कि आपका ड्रावर की फिनिशिंग और ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों हम लोग जो दूसरे साइड का पार्टी है उसको भी एक तरफ राइट एंगल में कर करके उसको भी इस तरीके से प्लाईवुड रख करके दोस्तों, अगर आपने थोड़ा सा छोटा बनाया है तो नीचे आपको प्लाईवुड रख करके प्रॉपर इधर जो हमारा फ्रंट वाला पार्टी है उससे सटा करके आपको इस तरीके से कील लगा देना है दोस्तों। देख पा रहे हैं इस तरीके से दोस्तों। अगर ये हमारा ड्रावर बनाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हम आप लोगों के लिए इस तरह की नई नई डिज़ाइनिंग वीडियो लाते रहते हैं दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये दूसरा पार्टी अभी लग चुका है। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने कि ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है जो हमारा साइड वाले पार्टी का, इसको कटिंग कर लेंगे दोस्तों। देख सकते हैं इस तरीके से, ऐसा दोस्तों हम लोग दोनों साइड में करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग ये जो हमारा ये पीछे वाला पार्टिया होता है उसको प्रॉपर कटिंग करके एक साइड में राइट एंगल करके दोस्तों, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा निशान लगा करके इसको भी कटिंग कर लेंगे दोस्तों। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो आपका कटर मशीन में ब्लेड हो वो थोड़ा सा नया हो, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ये लेमिनेट लगा हुआ है। अगर आप थोड़ा सा पुराना ब्लेड यूज़ करते हैं तो इसमें थोड़ा सा रफ आएगा लेमिनेट में कटिंग करते टाइम, तो दोस्तों आपको यही ध्यान में रखना है। इसके बाद दोस्तों इस तरीके से आपको फेविकोल लगा करके दोस्तों सिंपली इसको इस तरीके से, सबसे पहले दोस्तों ये जो तलिए वाला हिस्सा होता है इसमें दोस्तों कील लगाएंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग ऊपर और नीचे की साइड में भी कील लगा देंगे दोस्तों। दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा दोस्तों ड्रावर ये लगभग तैयार होने वाला है। अब हम लोगों ने दोस्तों ये जो हमारा ये फ्रंट वाला पार्टिया है उसको अब हम लोग अटैच करेंगे दोस्तों, इसमें भी कील लगाएंगे। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको एक राइट एंगल की सहायता से थोड़ा सा आपको मार्क कर लेना है दोस्तों। इससे क्या होगा कि आपका जो पार्टिया लगेगा वो सीधा लगेगा। दोनों साइड में निशान लगा करके दोस्तों उसके बाद आपको कील लगा देनी है। कील ठोकते समय थोड़ा सा दोस्तों आपको ध्यान में देना है, आपको थोड़ा सा लाइन थोड़ा देख करके, या तो फिर दोस्तों ये एक राइट एंगल लगा सकते हैं उसके बाद इसको ठोक देना है। इसके बाद दोस्तों आप चाहे तो एक स्क्रू लगा दें ऊपर की साइड में, इससे क्या होगा कि आपका ये जो ड्रावर होगा ये खुलेगा नहीं कभी। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा ड्रावर बनकर कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों देख सकते हैं ये बनकर रेडी हो चुका है। अभी हम दोस्तों इसके साइड साइड में तीनों साइड में लेमिनेट लगा देंगे, जो कि हमारा ये ऑफ वाइट का लेमिनेट है, इसको लगा देंगे तो ये हमारा ड्रावर रेडी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये हमारा ड्रावर बनाने का प्रोसेस अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।